क्या 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 कह रहे हैं जागेश्वर द्वार का बने की बात कर रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक नागेश है वो वहाँ उत्तराखंड में ही उनका कहना बैठिए नागेश ज्योतिर्लिंगों में है जागेश्वर धाम जागेश्वर धाम है अच्छा सुनिए और बैद्यनाथ कितने हैं भारत में बैठ एक महाराष्ट्र में एक आजकल झारखंड में एक हिमाचल में इसके पीछे दो संगति होती है एक तो कल्प भेद दूसरी है कि अनुकृति जैसे आप देखेंगे कि भारत में 2500 जगह रामेश्वरम शिवलिंग की प्रतिष्ठा अब मूल रामेश्वर तो जहाँ है वहाँ है वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसका पता लग जाएगा अभी दर्शन भी कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि मूल स्थान प्रचार तंत्र में कालक्रम से दब जाए अनुकृति वाला स्थान प्रमुख हो जाए वो कल्प में यहाँ कल्पना अर्थ होगा कल्प भेद हरि चरित सुहाय आनंद रामायण में संस्कृत में वचन है उसका ज्यों के त्यों अनुवाद तुलसीदास जी ने किया कल्प भेद कल्प का अर्थ समय दृष्टि से और कल्पना तो मैंने दो बताया कल्प भेद से ज्योतिर्लिंगों की अभिव्यक्ति में भी स्थान भेद हो सकता है दूसरा यह है अनुकृति में अनुकरण करने वाला बाजी मार जाए मूल स्थान का प्रचार प्रसार कम हो जाए अभी एक घटना घटी 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेरे पास आए न्यायाधीश मान उच्चतम न्यायालय वृंदावन तुलसीदास जी की जन्मभूमि के रूप में जिसकी प्रसिद्धि थी यमुना के तट पर जहाँ बहुत स्मारक आदि बन गए थे एक झोपड़ी में तुलसीदास जी के द्वारा विचित मूल रामायण भी एक व्यक्ति ने कहा ये नहीं यह स्थान है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने निर्णय दे दिया हाँ ये है और स्वयं मेरे पास आए कि अब हम क्या करें महाराज उनका निर्णय दे चुके कभी कभी ऐसा भी होता है क्या अब वो या ये सीतामढ़ी बिहार में सीता जी का प्राकट हुआ मिथिलांचल में उत्तर प्रदेश में सीतामढ़ी का इतना प्रचार हो गया कालिदास कालिदास का तो कई जगह समझ गए जिस उच्चैठ देवी की आराधना से सिद्धि मिली थी मिथिलांचल में भी है तो वहाँ जन्म हुआ होगा यहाँ पर राज पंडित रहे होंगे लेकिन वो मिथिला वाले पिछड़ गए यहाँ वाले आगे हो गए विद्यापति जी को बंगालियों ने केस किया कि वो बंगाल के थे लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक लेख मिल गया जिसमें लिखा था कि मिथिला के थे समझ गए ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुकृति में अनुकरण में जो बाजी मार जाए उसी के नाम से प्रसिद्धि हो जाती है तो हम किसको नकली कहें किसको एक तो कल्प भेद से दूसरी बात अनुकृति में आखिर भगवान ही की तो अनुकृति है और कोई प्रश्न